नमस्कार एसएससी जीडी के भाइयों एवं बहनों, तो कैसे हैं आप? चलिए दोस्तों, एसएससी की जो नई वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, उसके बारे में हम आज थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, एसएससी की इस बार 1 या 2 सौ हज़ार वैकेंसी नहीं, पूरी पूरी 25,000 वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, यह सब हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, जो फॉर्म भरने की डेट है वह 17/7/2021 से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भरने की डेट, और 31/8/2021 तक चलेगी। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और इसके पे स्केल और वैकेंसी टेबल को देखेंगे। दोस्तों, पे स्केल इसका जो है पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 रुपये तक। दोस्तों, वैकेंसी टेबल हम देखते हैं अब। दोस्तों, 25,271 टोटल पद हैं इस वैकेंसी में, जिसमें से 22,424 पद मेल कैंडिडेट्स के हैं और 2,847 पद फीमेल कैंडिडेट के हैं। तो दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस टेबल पे देख सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, NIA, SSF, ये सभी फोर्स की वैकेंसी है, जिसको देखें और भर्ती, और इसमें अभी पद बढ़ने की भी संभावना है, जिसे इसमें सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, आप फॉर्म भरें, इसकी फीस भी मात्र 100 रुपये है। दोस्तों, एज लिमिट के बारे में अब बात करते हैं। तो एज लिमिट इसमें 18 से 23 वाले ही भर सकते हैं। इसकी एज लिमिट की जो गणना की जाएगी वह है 1/8/2021 से। 1/8/2021 को आपको 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा को नहीं होना चाहिए, यानी कि जिनका जन्म 2/8/1998 को हुआ है, उस वो फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले वाले नहीं भर सकते हैं। और 1/8/2003 के बीच वाले भी भर सकते हैं। यह आगे देखेंगे कैटेगरी वाइज छूट कैसी है, देख सकते हैं दोस्तों, और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, फॉर्म का जो भरने का वो प्रोसेस है वह ऑनलाइन है। फॉर्म भरने के लिए आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं और वहां से स्वयं फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन MP ऑनलाइन पे जाके भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 100 रुपये है। दोस्तों, अब हम इस पे एप्लीकेशन फ़ीस ऑलरेडी हमने बता दिया है कि 100 रुपये है, और इसमें अब हम एग्जामिनेशन सेंटर को भी बता देते हैं। एग्जामिनेशन सभी मेजर सिटीज़ में दिया गया है, जिसे आप देख लें और अपने नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर को अप्लाई करें। दोस्तों, अब जो एग्जामिनेशन का वो है, देख लेते हैं कि कितने नंबर का क्या इसमें पूछा जाएगा पेपर में। दोस्तों, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, और मैथमेटिक्स भी 25 नंबर का रहेगा, और हिंदी इंग्लिश भी 25 नंबर का रहेगा। यानी टोटल 100 नंबर का पेपर और 90 मिनट्स का रहेगा, जो कि ऑनलाइन होगा। इस पे निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें दौड़ होगी और सभी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिए जाएंगे। दौड़ के बारे में बात करें तो 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए है 24 मिनट में, जो कि करना पड़ेगा,
और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.12 मिनट्स में क्लियर करना पड़ेगा। फिजिकल में बात करें तो हाइट का मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। दोस्तों चेस्ट भी इस पे 80 सेंटीमीटर लिया गया है। पीटी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारी वैकेंसी का पूरा वो। आगे चल के हम एसएससी का जो पुराना पेपर है उसके बारे में आपको बताएंगे और उसका पेपर का लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।